तो बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। सीएम यहां पर पीएम मोदी के लिए प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाम 4:30 बजे गोवर्धनपुर में जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री शाम 6:30 बजे मालवीय रमन गांव के मतरगवा घाट में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शाम को 7:30 बजे सीएम काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 7:40 पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंचेंगे। रात 8:15 पर सीएम गोवर्धन धाम में मंदिर घाट पहुंचेंगे। इसके बाद 8:50 पर वाराणसी लोकसभा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचेंगे। वाराणसी से पीएम मोदी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आखिरी चरण में 1 जून को वाराणसी में वोटिंग होनी है। तो पीएम के लिए मुख्यमंत्री प्रचार करेंगे और इसके साथ ही अब आपको बताएंगे कि वाराणसी का सियासी गणित क्या कहता है। पीएम के लिए सीएम का प्रचार है। सबसे पहले आपको बताते हैं शेड्यूल। देखिए, शाम 4:30 बजे गोवर्धनपुर में जनसभा रहेगी। 6:30 बजे मालवीय रमन गांव में स्थानीय कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। शाम 7:30 बजे काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि शाम 7:40 पर सीएम काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। तो रात 8:15 पर गोवर्धन धाम में मंदिर घाट पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। रात 8:50 पर केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचेंगे। और इसके साथ ही अब ये भी जान लीजिए कि वाराणसी, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी प्रचार करने पहुंच रहे हैं, यहां का गणित क्या कहता है, कुल कितने मतदाता हैं। तो देखिए, 19.62 लाख मतदाता हैं वाराणसी में। 10.6 लाख पुरुष मतदाता हैं। और इसके साथ ही बात करें महिला मतदाताओं की, तो यहाँ पर 8.97 लाख महिला मतदाता हैं। तो ये तो है मतदाताओं की संख्या। और आपको बता दें वाराणसी में 135 थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं। 52,000 मतदाता जो पहली बार वाराणसी में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और इस सीट की 65% आबादी शहरी है, 35% ग्रामीण आबादी है। और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी प्रचार करने वाराणसी जाने वाले हैं। और देखिए, पीएम मोदी हैं वाराणसी से प्रत्याशी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव पीएम के लिए आज प्रचार करते नजर आएंगे। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे। ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। श्याम जी, वाराणसी काफी महत्वपूर्ण सीट है, सबकी नजरें हैं, पीएम मोदी यहाँ से प्रत्याशी हैं, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले हैं वाराणसी। बिल्कुल, हाई प्रोफाइल है ये सीट और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएम यहाँ से जो है लगातार तीसरी बार जो है उम्मीदवारी कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम आपको ऋतु बताना चाहेंगे, अगर आप जातिगत समीकरणों को देखेंगी तो पाएंगी कि यहाँ पर कुर्मी और वैश्य ये बहुत निर्णायक कंडीशन में है। 2-2 लाख के करीब इनकी संख्या है, ब्राह्मण है, इसके अलावा जो है मुस्लिम भी अच्छी खासी संख्या में, यादव हैं, लेकिन निर्णायक ओबीसी रहने वाले हैं, भूमिहार भी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं ओबीसी फैक्टर यहाँ पर लागू होगा। और सबसे बड़ी बात, देश की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी है वाराणसी, काशी जो है लगातार देश से सभी लोग, विदेश से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, तो इसकी चर्चा दुनिया में होती है। जी बिल्कुल, हाई प्रोफाइल सीट तो है ही है श्याम जी, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पहुंचना, क्या मायने इसके निकाले जाएं, क्या कुछ साधने की कोशिश आज की जाएगी? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ओबीसी वोट बैंक निर्णायक है, यादव हैं, कुर्मी हैं, इसके अलावा भूमिहार हैं, ये तमाम जो जातियां हैं, जातिगत समीकरण अगर हम देखते हैं तो यहाँ निर्णायक कंडीशन में 2-2 लाख की जो संख्या है, वैसे 2 लाख है, कुर्मी 2 लाख है, ये बहुत निर्णायक है, जीत के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने बताया 19.5 लाख से अधिक वोटर हैं, तो उनके बीच में ओबीसी अगर ज़्यादा है तो एक ओबीसी चेहरा, यादव चेहरा उनके बीच जाएगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसा कि हमने इससे पहले कई बार कहा, यादव गढ़ में मुख्यमंत्री सीएम यादव लगातार घूमते रहे, लगातार दौरे करते रहे, तो अब उनकी प्रासंगिकता है उत्तर प्रदेश में, हर सीट पर उनकी प्रासंगिकता है। बिल्कुल बिल्कुल श्याम जी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जब से मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए हैं, दूसरे राज्यों में खासतौर पर यूपी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का प्रचार जारी है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गौवंश पर साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गौवंश अभ्यारण्य बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
सड़कों पर घूमने वाले गौवंश की पूरी देखभाल की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, गौवंशों को नियमित आहार मिलेगा, देखभाल मिलेगी और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। भ्रष्टाचार मुक्त सेवा, सुरक्षा और संवर्धन होगा योजना का ध्येय वाक्य। तो देखिए, गौवंश पर साय सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गौवंश अभ्यारण्य बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब सड़कों पर घूमने वाले गौवंश की पूरी देखभाल की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता खुमन साहू लाइव जुड़ गए हैं। खुमन, साय सरकार ने गौवंश अभयारण्य बनाने के निर्देश दे दिए हैं, एक बड़ा फैसला लिया है, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी और किस तरह से काम किया जाएगा आने वाले समय में? देखिए ऋतु, अलग अलग तरीके से चाहे पंचायत विभाग हो या अलग अलग विभागों को इसका निर्देश दिया गया है, ताकि आने वाले दिनों में जो गौवंश अभयारण्य सरकार बनाना चाहती है उसके पीछे का उद्देश्य मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 70% छत्तीसगढ़ में किसान निवास करते हैं, ऐसे में जो पशुपालन है वो मुख्य रूप से गांव के लोग करते हैं, ऐसे में जो बहुत सारे पशु हैं वो शहरों में सड़कों पर पाए जाते हैं। इसी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साय सरकार अब अभ्यारण बनाए जा रहे हैं। वहाँ गौवंशों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, खान पान का ध्यान रखा जाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं कि गौ माताओं की अब सेवा छत्तीसगढ़ सरकार करने जा रही है। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी ऋतु, तो वहाँ भी गौठान योजना के तहत तमाम जो घुमंतु गाय है उनकी गौठान में ले जाकर सेवा की जाती थी। अब साय सरकार जब से छत्तीसगढ़ में आई है, अलग अलग योजना लाकर लोगों की भलाई को लेकर जो है काम करिए और एक बार फिर गौवंश अभयारण्य बनाकर गायों की सेवा करने में जुट जाएगी। जी बिल्कुल खोमल, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में हमने देखा है बीते समय में जब भी किसी तरह की योजना या फिर फैसले लिए गए हैं, कई बार इस पर सियासत भी देखने को मिली है। गौवंश को लेकर किस तरह की तस्वीरें देखते हैं आप? देखिए ऋतु, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि जो योजनाओं की कॉपी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि बहुत सारी योजना है जो कांग्रेस सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में संचालित की जाती थी। अगर गौ वंश की अगर बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, तो इसके पहले जो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार थी वो अलग अलग तरीके से गौठान योजना के माध्यम से गायों को सुरक्षित रखने का काम करती थी। जो घुमंतु गाय है उसको भी गौठान में रखती थी, उसके लिए अलग अलग गाँव में एक जगह सुरक्षित किया गया था। फिर से जब साय सरकार गौ वंश अभयारण्य बना रही, तो इस पे कांग्रेस नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऋतु की वो कांग्रेस सरकार की योजना की कॉपी की जा रही। तो देख, एक तरीके से देखा जाए तो सरकार योजना ला रही है, दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। बिल्कुल, सियासत भी जारी है और अभी सियासत कहां तक पहुंचेगी देखना होगा। बने रहेगा खुमल, लौटूंगी मैं आपके पास। तो देखिए, गौवंश के लिए एक नया कदम उठाने जा रही है साय सरकार। और अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बेमित्रा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट में कांग्रेस ने जांच समिति का गठन किया है। पूर्व विधायक अनिता शर्मा समिति की संयोजक बनाई गई है। अनिता शर्मा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम जांच करेगी। आशीष छाबड़ा, महेंद्र छाबड़ा, दीपक मिश्रा, सुबोध हरिद्वाल, विनोद तिवारी, उधो राम वर्मा, वंशी पटेल के नाम समिति में शामिल किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के बेमित्रा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में कांग्रेस ने जांच समिति का गठन किया है। पूर्व विधायक अनिता शर्मा समिति की संयोजक बनाई गई हैं। जांच समिति गठित कर दी है कांग्रेस ने, 8 सदस्यीय टीम जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। आशीष छाबड़ा, महेंद्र छाबड़ा, दीपक मिश्रा, सुबोध हरिद्वाल, विनोद तिवारी, उधो राम वर्मा, वंशी पटेल के नाम समिति में शामिल किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता खुमन लगातार बने हुए हैं। खुमन, एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट को लेकर अब कांग्रेस ने जांच समिति का गठन भी कर दिया है। देखिए निश्चित तौर पर ऋतु, जिस तरीके से कल ब्लास्ट हुआ, काफी दुखद घटना सामने ही बेमेतरा से, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एक समिति बनाई है। जो पूर्व विधायक है अनिता शर्मा को संयोजक बनाया गया, इसके अलावा जो बेमेतरा के जो विधायक है आशीष छाबड़ा, उनको भी सदस्य बनाया। कुल 8 लोगों की समिति कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। ये समिति आज बेमेतरा जाएगी, बेमेतरा में किस तरीके से घटना हुआ, किस तरीके से वहाँ के लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और किस पर सरकार किस तरीके से काम कर रही है, स्थानीय प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, आम जनता को किस तरीके से वहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इन तमाम चीज़ों का एक रिपोर्ट बनाकर 1 हफ्ते के अंदर तमाम जो समिति के सदस्य हैं वो PCC को सौंपेंगे। उसके बाद
जो पीसीसी है वो इस पर आगे किस तरीके से काम करने वाली है, किस तरीके से उस पर निर्णय लिया जाएगा, इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से हादसा हुआ है काफी दुखद है ऋतु। बिल्कुल खुमन, और अब इस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये भी देखना होगा। खुमन शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जांच समिति कांग्रेस ने गठित कर दी है और आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। रात 8 बजे मेडिकल कॉलेज सभागार जाएंगे मुख्यमंत्री साय। मेडिकल कॉलेज में चित्रांश उत्सव 2024 कार्यक्रम में शामिल होंगे। 9 बजे लौटेंगे मुख्यमंत्री निवास। तो सीएम विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। रात 8 बजे मेडिकल कॉलेज सभागार जाएंगे सीएम साय और मेडिकल कॉलेज में चित्रांश उत्सव 2024 कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद रात 9 बजे मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे। बात करेंगे पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के आखिरी पड़ाव में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी बीते दिन बिहार में थे और विपक्ष पर जमकर बरस रहे थे। पीएम मोदी के सियासी वार पर अब विपक्ष ने भी पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के बयान पर कहा कि ये बिहार है और बिहारी किसी से डरते नहीं है। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी, किसी से डरता नहीं है बिहारी। नर्सिंग कॉलेजों में हुई गड़बड़ियों पर अब मोहन सरकार सख्त नजर आ रही है। जहां सीएम के आदेश पर दोषी अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मेडिकल एजुकेशन विभाग ने सुधार के लिए रोडमैप बनाया है, जिसके तहत प्रदेश में नर्सिंग कोर्सेज के लिए नई रेगुलरिटी बॉडी बनाई जाएगी। नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा होगी। साथ ही अनफिट नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिलाने वाले अधिकारी कर्मचारियों की पहचान की जाएगी। बीजापुर में हुई मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने के बाद विस्तार न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और विस्तार न्यूज की टीम ने मौके का जायजा लिया, जहां विस्तार न्यूज को जवानों से लूटा गया एमिनेशन बॉक्स नक्सलियों के गढ़ में मिला। ग्राउंड जीरो को जब हम खंगालने लगे, इस पहाड़ के चप्पे चप्पे को जब हम तलाशने लगे, तो जिस जगह पर हमें बुलेट के निशान नजर आए, उसी के ठीक जहां पर वो पत्थर आपको बड़े पत्थर नजर आ रहे थे, उसके ठीक पीछे में ये 3 बॉक्स हमें नजर आए। और ये तीनों बॉक्स एमओ बॉक्स कहना चाहिए इन्हें, इनमें बुलेट रखने का काम किया जाता है। जब आप माओवादी हिंसा का इतिहास खंगालने जाते हैं तो आपको इस तरह की घटनाएं मिलेंगी जहां पर सुरक्षा बलों के कैंपों पर हमला करके माओवादियों ने एम्युनिशंस बहुत बड़ी मात्रा में लूटा था। और उसी का एक नतीजा ये हो सकता है कि माओवादियों ने सुरक्षा बलों से लूट कर एम्युनिशन यहाँ पर छुपा रखा था होगा। लेकिन एक दूसरी तस्वीर है, यहाँ आपको बैलेट यूनिट नज़र आ रही है। देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे चुनाव के दौर में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये आपको झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। आप देखिएगा कि ये किसी मतदान दल की लूटी हुई एक मत पेटी का नज़ारा है, जिसे माओवादियों ने शायद जला कर यहाँ पर छोड़ दिया है। अब ये पूरी तरह से यूजलेस है। और यहाँ ये तस्वीर आप जब आप देख रहे हैं तो आप समझिएगा कि अबुझमाड़ माओवादियों के लिए इतना सेफ जोन किस लिए समझा जाता है। युकेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज, ग्राउंड जीरो, अबुझमाड़। 6ठे चरण के चुनाव के बाद देश में आम चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का चुनाव हो जाएगा और 4 जून को नतीजे भी आएंगे। 6ठे चरण में 58 सीटों पर 59.70 रहा वोटिंग प्रतिशत। उत्तर प्रदेश में 54% रहा मतदान प्रतिशत। और बाकी 6ठे चरण में क्या कुछ खास था, हमारी इस खास रिपोर्ट से समझिए। 6ठे चरण का चुनाव खत्म हो गया है और इसी के साथ दिग्गजों की किस्मत भी अब ईवीएम में कैद हो गई है। 6ठे चरण में 58 सीटों पर चुनाव हुआ और इन 58 सीटों में कुछ सीटें ऐसी भी थी जिनमें दिग्गजों की किस्मत दाव पर लगी हुई थी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर और राज बब्बर तक की किस्मत दांव पर लगी हुई थी। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में कुछ सीटों पर हिंसा और मारपीट की खबर भी आई, लेकिन अब जरा नजर डाल लेते हैं कि 58 सीटों पर किस दिग्गज की साख दांव पर थी और कौन सी सीट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई थी। दिग्गजों की बात करें तो करनाल से मनोहर लाल खट्टर, अनंतनाग रजौरी से महबूबा मुफ्ती, संबलपुर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत और अभिनेता राज बब्बर, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, सुल्तानपुर से बीजेपी की मेनका गांधी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, तो वहीं कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल चुनावी मैदान में थे। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से बीजेपी उम्मीदवार प्रणंत टुडू पर हमला होने की भी खबर आई। पत्थर लगने से उनका सुरक्षा कर्मी घायल हो गया और बीजेपी ने उस पूरे हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी के बीच की लड़ाई कोई नई नहीं है और लगातार बीजेपी ऐसे हमलों के लिए टीएमसी पर आरोप लगाती रही है। टीएमसी जहां जहां हार रहा है, हिंसक होकर के वो आक्रमण कर रहा है, प्रभावित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वोटर्स को। अपने कैंडिडेट जो थे वो अपने जगह में संभालने के लिए गए, सब जगह घेरे, जहाँ गड़बड़ हुआ था उसका प्रतिवाद किया। इसी के साथ कश्मीर की भी अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर वोट डाले गए और वोट डालने आए एक कश्मीरी हिंदू ने बताया कि 32 साल बाद उसने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मैंने इस बार 32 साल के बाद कश्मीर में आके वोट कास्ट किया है। मैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज से ताल्लुक रखता हूँ। छठे चरण की 58 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब सिर्फ आखिरी चरण का रण बाकी है। सातवें चरण में 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है और 4 जून को नतीजे सबके सामने होंगे। अब देखना होगा कि ईवीएम के पिटारे से किसकी किस्मत की चाबी निकलती है और कौन हार का मुंह देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।